गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने स्निग्धम हिंदी पाठमाला के माध्यम से पार्ट दो पंडित भोलानाथ पढ़ा था। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम अपने इसी पाठ का एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं। मैं आपको इस कहानी को एक बार फिर से समझा देती हूँ, उसके बाद हम इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पंडित भोलानाथ अपने नाम के ही जैसे बिल्कुल भोले भाले और सीधे साधे थे। वे अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते थे, अक्सर दूसरों की बातों में आ जाया करते थे। एक बार एक यजमान ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। वे उनके घर भोजन करने चले गए। जब भोजन करके भी जाने लगे तो यजमान ने उन्हें एक बकरी का बच्चा दक्षिणा स्वरूप दिया। वे बकरी के बच्चे को अपने कंधे पर लेकर अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी रास्ते में उन्हें तीन ठग मिले। वे ठग पंडित को देखकर उसे उन्हें ठगने का सोचने लगे। तभी एक ठग पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, ये कुत्ते के बच्चे को आप अपने कंधे पे उठा के कहाँ चले जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा, ये एक कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये तो बकरी का बच्चा है। ठग ने कहा, यदि मेरी बात पे यकीन नहीं तो किसी से भी पूछ लीजिए। पंडित जी को दूसरे ठग ने भी यही कहा और तीसरे ठग ने भी यही कहा। अब पंडित जी को ये यकीन हो गया कि यजमान ने मुझे बकरी के बच्चे की जगह कुत्ते का बच्चा दे दिया है। उन्होंने वो बकरी का बच्चा उन तीनों ठगों को सौंप दिया और खुद गुस्से में यजमान के घर चले गए। यजमान से जाकर उन्होंने जब यह सारी बात कही तो यजमान ने उन्हें कहा, पंडित जी, सच में आप अपने नाम के ही हिसाब से बिल्कुल भोले हो और आपको पता ही नहीं चला कि कब उन ठगों ने आपको ठग लिया। और यजमान ने पंडित जी को सारी बात अच्छी तरह से समझाई। जब पंडित जी ने यजमान की बात सुनी तो उन्हें यह यकीन हो गया कि उन्हें उन ठगों ने ठग लिया है और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। उस दिन से उन्होंने यह तय किया कि अब से वह स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करेंगे और अपनी सोच से ही सारे निर्णय लेंगे। किसी की भी कही हुई बात पर ध्यान नहीं देंगे जब तक कि वह सही और गलत का निर्णय स्वयं नहीं कर लेते। तो बच्चों, ये कहानी आप सबको भी यह प्रेरणा देती है कि हमें सदैव अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ना कि दूसरों की मर्जी के हिसाब से अपने निर्णय बदल देने चाहिए। चलिए अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हम हल करते हैं। यजमान ने पंडित भोलानाथ को दक्षिणा में क्या दिया? बच्चों, क्या दिया था यजमान ने? यजमान ने पंडित भोलानाथ को दक्षिणा में एक बकरी दी। क्या दी थी? बकरी। पंडित जी की रास्ते में किन लोगों से मुलाकात हुई? बच्चों, पंडित जी की किन से मुलाकात हुई थी? ठगों से। पंडित जी की मुलाकात तीन ठगों से हुई। पंडित जी ने बकरी को क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उन्हें ये लगने लगा था कि वो ठग कह रहे हैं कि बकरी नहीं, यह कुत्ता है और यह सच में कुत्ता ही है, और उन्होंने बकरी को कुत्ता समझकर छोड़ दिया था। पंडित जी ने बकरी को कुत्ता समझकर छोड़ दिया। अच्छा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें बिना सोचे समझे दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पाठ पंडित भोलानाथ की कहानी को दोबारा से समझा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर समझे और उनके उत्तर भी जाने। तो अब आप सभी बच्चे इस वीडियो के साथ भेजे हुए असाइनमेंट को अपनी हिंदी की कॉपी नंबर 1 हिंदी लिटरेचर कॉपी में बहुत ही साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और इस वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे।
धन्यवाद।